जादूगर नहीं बैठे हम यहाँ। कई लोग पेशेंट सीधा फोन कर लेते हैं कि सर एक हफ्ते में ठीक कर लोगे, प्लीज एक हफ्ते में ठीक कर लो। तो अगर ये जादू करने वाली चीजें होती है और इतना आसान से ठीक होने वाली चीजें होती ना, तो आप सर्जरी के लिए नहीं जाते, 3.5-4 लाख की सर्जरी नहीं करवाते आप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित भारती, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस के ट्रीटमेंट में टाइम कितना लगता है। देखिए मैक्सिमम पेशेंट जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें डायरेक्ट डीएम करते हैं कि सर एवैस्कुलर नेक्रोसिस में जो है ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है। कई डॉक्टर्स जो है एक हफ्ते का ट्रीटमेंट चला रहे हैं, इसमें ग्रेड चाहे कोई सा भी हो, एक हफ्ते का ट्रीटमेंट, 10 दिन का 15 दिन का, कई मैक्सिमम 1 महीने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पर एग्जैक्ट टाइमिंग कितनी लगती है एवैस्कुलर नेक्रोसिस में? देखिए अगर मैं सच सच बताऊँ, ऑनेस्टली ग्रेड वन में 1 मंथ सफिशेंट है, काम हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी प्रकृति और कोस्ट पर, किस हिसाब की आपकी रिकवरिंग रेट है उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। लेकिन मेरे हिसाब से एवियन के केस में जो है ग्रेड वन में 1 मंथ मैक्सिमम है विद एक्सरसाइज फॉर ट्रीटमेंट के साथ। 4 ट्रीटमेंट जरूरी हैं, वो 4-5 ट्रीटमेंट में कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूँ। लेप लगेगा, स्नेहन स्वेदन होगा, उसके अलावा रक्त मोक्षण, बस ट्रीटमेंट और इंटरनल मेडिसिन। ये तो 4-5 ट्रीटमेंट ये हो गए, और पांचवा छोटा जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज मस्ट है एवैस्कुलर नेक्रोसिस में। अगर एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो रही है, प्रॉपर वो जॉइंट खुल नहीं रहा है, अगर प्रॉपर उस जॉइंट में जगह नहीं बन पा रही है जहाँ पे उसने मूवमेंट करनी है, तो वो एक्सरसाइज के माध्यम से ही हो पाएगी। तो अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप ठीक नहीं होने वाले। कोई अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी में कोई सभी ट्रीटमेंट चला रहे हैं बिना एक्सरसाइज के, तो आप ठीक नहीं होने वाले हैं, कुछ दिन में वैसे का वैसे होने वाला है सिस्टम, ठीक है। तो एवैस्कुलर नेक्रोसिस में टाइम ग्रेड वन में 1 से 1.5 मंथ सफिशेंट है। अब देखिए, अब डिपेंड करता है ग्रेड 2, 3, 4 में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले तो आपकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है टाइमिंग। जादूगर नहीं बैठे हम यहाँ। कई लोग पेशेंट सीधा फ़ोन कर लेते हैं कि सर एक हफ्ते में ठीक कर लोगे, प्लीज़ एक हफ्ते में ठीक कर लो, मेरा ये है, मुझे टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, नहीं आ पा रहा हूँ प्रॉपर। तो देखिए एवैस्कुलर नेक्रोसिस को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर जादूगर होते ना तो यहाँ नहीं बैठे होते, सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर ये जादू करने वाली चीज़ें होती है और इतना आसान से ठीक होने वाली चीज़ें होती ना, तो आप सर्जरी के लिए नहीं जाते, 3.5-4 लाख की सर्जरी नहीं करवाते आप, विद इंक्लूड फिजियोथेरेपी। 3.5-4 लाख ट्रीटमेंट का खर्चा आता है, वो आपको भी पता है, ठीक है। अगर अच्छा बॉल लगाते हो आप, तो अच्छा जॉइंट लगवाते हो, तो जब ये ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली वहाँ पड़ रहा है और आयुर्वेद को आप टाइम देने के बजाय उनको ये बोल रहे हैं कि उन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को फोर्स कर रहे हो कि एक हफ्ता, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ठीक कर दो। क्यों भाई, अपना अपने शरीर के लिए आप कॉन्शियस नहीं हो, आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या फिर किसी अन्य क्लिनिक्स की ना आदत बिगाड़ चुके हो आप, आपने बिगाड़ी हुई है ये आदत। अगर आप उनको फोर्स नहीं करते ना 10-15 दिन में ठीक करो, तो धांधलीबाजी होती नहीं। आप बोलो मैं आ रखा हूँ, ठीक करो, जितना टाइम लेना है करो। फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे सच में ये पेशेंट को ठीक करना है, क्योंकि वो पूरा टाइम लेके आ रहा है। कई डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हफ्ता 10 दिन की जो है एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा बहुत मेडिसिन आपको दे रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं जाओ फिर दोबारा आना, कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना उसके बाद वापस आ जाना। तो आदत आपने बिगाड़ी हुई है, वो आपको ठीक कर सकते हैं प्रॉपर। अगर वो डॉक्टर्स जो हैं हफ्ता 10 दिन में आपको ठीक करने की हिम्मत रख रहे हैं ना, तो 1.5-2 मंथ में आपको प्रॉपर ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जल्दबाजी आप दिखा रहे हो। और कई डॉक्टर्स पैसा बनाने के चक्कर में एक एक हफ्ता 10 दिन के ट्रीटमेंट में फटाफट कैंपिंग कर रहे हैं, फटाफट लगा रहे हैं कि आ जाइए, और एक भीड़ बढ़ा रहे हैं, उसके बाद पैसे ले लिए और भगा दिया। वो वाला हिसाब किताब नहीं करना, खुद उनको इंसिस मत करो आपकी वो करना ही करना है आपको, ऐसी चीज़ क्यों करवा रहे हो। जेन्युइन बताऊँ एक एवैस्कुलर नेक्रोसिस में एवियन के केस में कितना टाइम लगता है, जेन्युइन टाइम बताता हूँ। अगर ग्रेड वन का पेशेंट है तो लगभग 1 से 1.5 मंथ प्रॉपर ठीक होने में विद एक्सरसाइज और 4 ट्रीटमेंट के साथ अगर आप ले रहे हो, तो तब आप ठीक होंगे प्रॉपर 1 से 1.5 मंथ में। प्रॉपर ठीक बोल रहा हूँ मैं, एक ठीक होना और हमेशा के लिए ठीक होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो आप जल्दबाजी ना करिए। इनफैक्ट अगर मेरे पास भी कॉल आती हैं
अगर ग्रेड वन का पेशेंट है तो वो 22 दिन 1 मंथ का ट्रीटमेंट मान के चलिए, वरना मेरे पास फ़ोन मत करना। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं एवियन के जितने भी पेशेंट हैं। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाले काम नहीं होते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए आना है ना, मन बना के आओ, और ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो तो ये मन बना के आओ कि हाँ हम 22 दिन 1 मंथ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी हैं, तभी मेरे पास फ़ोन करना, तभी मैसेज करना, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, ग्रेड वन में जेन्युइन बात बता रहा हूँ, देखिए ग्रेड वन में जो है 1 से 1.5 मंथ का ट्रीटमेंट सफिशेंट है, ट्रीटमेंट हो सकता है, 110% बंदा ठीक हो सकता है अगर 4-5 ट्रीटमेंट ले ले, जो मैं कई बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से बता चुका हूँ, और एक्सरसाइज ले, एक्सरसाइज प्रॉपर हमारे द्वारा की जाएगी, प्रॉपर बताया जाएगा आपको घर जाने के बाद भी क्या क्या ट्रीटमेंट आपको करने हैं, क्या क्या आपको खुद से ट्रीटमेंट करने हैं और क्या क्या आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है ग्रेड वन के लिए। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए जो है आपको क्या करना है, कम से कम 2 मंथ का टाइम सोच के आना, उससे पहले मत आना। सीधी सीधी बात है ना, मुझे DM करना। अगर जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ग्रेड पेशेंट है वो DM तभी करना मुझे जब आपका 2 मंथ का ट्रीटमेंट करवाने का मन हो। हाँ, पूछ सकते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो भी मैं कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होते हैं विद एक्सरसाइज, वही ट्रीटमेंट चलेंगे, कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जब मन हो कि भाई ये ट्रीटमेंट करना ही करना है, उसके बाद करना, वरना 10-10, 15-15 दिन के ट्रीटमेंट लेते रहना, फिर थोड़ा सा ठीक हो ना फिर घर चले जाना, फिर और ख़राब हो के वापस आ जाना, ये प्रोसीजर तुम्हारा 1.5-2 साल से चल ही रहा है, वो आपको भी पता है। सब एवियन के पेशेंट जो हैं टाइम देने के लिए रेडी नहीं है, या तो सर्जरी कराओ लाइफ टाइम फिर सर्जरी कराते रहो, और या तो टाइम दो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, जादूगर नहीं है, हमने जादू मारा और आप ठीक हो गए, ये जादूगर वाला काम नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा हर एक चीज़ के लिए, बॉडी के रिकवरिंग रेट के लिए भी एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे धीरे धीरे आपका जो पैर है वो ख़राब हुआ है वैसे ही धीरे धीरे सही भी होगा। और हम तो इतना भी नहीं बोल रहे हैं भाई कि जितना टाइमिंग आपके पैर में ख़राब होने में लगी उतना टाइम ठीक होने में लगा, ऐसा नहीं, 2 गुना या 3 गुना रफ्तार से वापस रिवर्स लेके आएंगे, ठीक है, विद मेडिसिन। तो कम से कम 2 मंथ का ट्रीटमेंट, 2 से 2.5 मंथ का ट्रीटमेंट आप मान के चलो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ग्रेड में, एक्सरसाइज में और मेडिसिन में थोड़ा चेंज करेंगे, वरना सेकेंड और फोर्थ ग्रेड पेशेंट के लिए सेम ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो हम मेडिसिन में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, उनके एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, उसके अलावा जो है बस्ती में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, तो उस आधार पर 2 या 2.5 मंथ में हम पूरा रिकवर करते हैं उस टाइम पीरियड को। तो सीधी सीधी बात है, एवियन के केस में कितना टाइम लगता है, एलोपैथी में आप 3 से 4 साल लगा दो कुछ फ़ायदा नहीं, आपको भी पता है, और आयुर्वेदा में आप 2 से 2.5 मंथ लगा दो बिल्कुल क्योर होके देंगे, अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर सच में एवियन का ट्रीटमेंट जानता है तो। हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आप 3 से 4 मंथ भी लगा दो, वो भी प्रॉपर ठीक नहीं कर पाएंगे आपको। तो एवियन के केसेस में जो है 2 से 2.5 मंथ लगाने ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल चुका होगा एवियन के केस में जो है कितना टाइम लगता है ठीक होने में। तो मिलते रहेंगे आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए, नमस्कार।